ये भागीरथी नदी है जो मेरी राइट साइड में है, और ये अलकनंदा है जो दोनों नदियों के मिलने के बाद जो तीसरी नदी बन रही है सीधे जो जा रही है, ये यहाँ से गंगा नदी है। दोस्तों यहाँ बद्रीनाथ में ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर -1 है अभी। लगभग 18 घंटे के सफर के बाद और लगभग लगभग 350 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर में 11 बजे के आसपास पहुँच रहे हैं। ये देखिए बद्रीनाथ का मंदिर और कितना खूबसूरत है। अभी रात के हम लोग 11:30 बजे के आसपास आए हैं। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। ये है बिल्कुल मेन मंदिर, ये इसका एंट्रेंस है। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग माणा गाँव में, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं भीमपुर, और सामने वो भारत की आखिरी चाय की दुकान जिसके आपने काफी सारे रील्स इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। दोस्तों देश और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम लोग चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे, और अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी यात्रा आनंददायक हो। इस ब्लॉग में दोस्तों हम जाने से पहले रजिस्ट्रेशन से लेके संसाधन, खाना पीना, वहाँ पे रुकने की बेस्ट प्राइस में बेस्ट जगह, और हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में 5 घंटे खड़े रहे। आप इस 5 घंटे से कैसे बच सकते हैं, सब के बारे में हम इस ब्लॉग में आगे बताएंगे। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो वेबसाइट आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं आगे चल के आपको दिक्कत होगी। वो दिक्कत आपको कहाँ पर आपको वीडियो में आगे हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल जाने से पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तो आप किसी भी प्रकार से आप हरिद्वार पहुंच जाइए, चाहे ट्रेन से, बस से, किसी भी तरह से। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट और रोडवेज बस मिल जाएंगी, जिनका किराया लगभग 700 से 1000 के बीच रहता है। ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है। यहाँ से आप अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो, शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हो, या तो आप यहाँ से बाइक या स्कूटी पर रेंट पर ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पर कई जगह पर मिल जाएगी। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे स्कॉर्पियो से, तो हम लोग आपको अपनी पर्सनल गाड़ी से जाने का एक्सपीरियंस बताएंगे, उस हिसाब से आपको यात्रा दिखाएंगे, और लास्ट में आपको पेट्रोल खर्चा बताएंगे। तो जाने के संसाधन आप बाइक स्कूटी से लेके बस तक किसी प्रकार जा सकते हैं। ट्रेन का आखिरी स्टेशन आपको ऋषिकेश मिलेगा, उसके ऊपर आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। जब आप यात्रा शुरू करेंगे, और जो डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ, वो तो खैर बहुत ही फेमस जगह है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले भी आपको रास्ते में कई ऐतिहासिक और कई प्रसिद्ध जगहें मिलेंगी जिनको आप लोग एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, जिसमें सबसे पहले आती है देवप्रयाग। तो चलिए पहले चलते हैं सीधे देवप्रयाग। दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार से लगभग लगभग 100 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी हम लोग देवप्रयाग में मौजूद। देखिए पीछे देखिए, उधर से अलकनंदा आ रही, इधर से भागीरथी, और फिर ये दोनों जब नदियाँ मिलती है तो देवप्रयाग में यहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे नीचे जाने का भी, जहाँ पे संगम है। ये पूरा देवप्रयाग मार्केट है, और यहाँ पे जो पुलिस चौकी है उसके ठीक बगल देखिए ये संगम का रास्ता है। अब हम लोग जाएंगे संगम में। तो जो मैंने आपको देवप्रयाग का सबसे पहला व्यू दिखाया था वो उस एरिया से दिखाया था, और फिर हम वहाँ से चल के आए थे। यहाँ पे हमने कहीं अपनी गाड़ी पार्क की, फिर नीचे आए, फिर एक ब्रिज क्रॉस किया, और अभी हम लोग एग्जैक्टली संगम पे है। ये सबसे क्लोज वाला सीन है संगम का, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बाएं हाथ में मेरी नदी है, ये है अलकनंदा, और उधर है भागीरथी, और फिर यहाँ से जो दो नदियों के संगम के बाद तीसरी नदी बनती है वो है गंगा नदी। तो हिमालय से ये दो नदियाँ निकलती है और फिर यहाँ से बनती है गंगा नदी। यहाँ पे देखिए हमारे सौरभ भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। अगर आप भी आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन अपना सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, बहुत गहरा है, पानी का बहाव बहुत तेज है, सुरक्षा के साथ स्नान करिएगा। तो संगम के ठीक पास देखिए काफी सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे पंडित लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे पूजा आरती हो रही है। दोस्तों अभी हम लोग संगम से घर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, फोटो शूट किया, वीडियो बनाए और पूरा संगम देखा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी में, और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे बद्रीनाथ के लिए। दोस्तों दूसरी प्रसिद्ध जगह है धारी देवी का मंदिर, और धारी देवी बहुत ही प्रसिद्ध देवी है उत्तराखंड में। ये माना जाता है कि जो चारों धाम है हमारे उत्तराखंड के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों की रक्षा हमारे धारी देवी करती है। बहुत ही प्रसिद्ध देवी देवता, मैं खुद भी मानता हूँ। तो आप यहाँ भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, रोड से लगभग 500-700 मीटर नीचे होगा, तो आप लोग जरूर जाइएगा। हम लोगों के पास समय की कमी थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापसी के समय जाएंगे। अगर आपके पास समय तो आप जरूर जाइएगा। अभी हम लोग जस्ट धारी देवी के पास में है, और धारी देवी के दर्शन हम वापसी के समय करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलरेडी 1 बज चुका है, और हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो अभी हम लोग सीधे बद्रीनाथ जाएंगे, और वापसी के समय हम धारी देवी के पास जाएंगे। जब आप धारी देवी से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता अलग अलग होता है। जब आप बद्रीनाथ के रास्ते पर चलेंगे तो
आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब की रील या शॉर्ट फीड में आपने देखी होंगी, और आपका सपना रहा होगा यहाँ आने का। आप कभी बहुत ऊँचाई पर होंगे और पूरे पहाड़ नीचे होंगे, कई बार आप गहराई पे होंगे तो चट्टाने होंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ होंगे, और कई बार तो आप रोड पे ऐसे गुजरोगे जहाँ से नीचे आपकी गाड़ी जा रही होगी, ऊपर चट्टान आपकी गाड़ी की छत के ऊपर होंगी। तो ओवरऑल आप विजुअल्स में देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग प्रकार के बेहतरीन सुंदर नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे, काफ़ी अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आप बद्रीनाथ के पास जाएंगे तो वेदर चेंज होने लगता है, कई बार धूप से एकदम बारिश आने लग जाती है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, तापमान गिर जाता है, ठंड लगने लगती है, और लगभग लगभग 80 से 100 किलोमीटर पहले आपको बर्फीले चट्टान ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सामने आप, ये बर्फीले पहाड़ है। अब पता नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम लोग बर्फ़ देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ से हमने बहुत दूर से हमने देख लिया है। अब छोटी सी नदी है एक, ये देखिए हाईवे है, ये बस आप ले सकते हैं डायरेक्ट हरिद्वार या ऋषिकेश से, और यहाँ पे हम लोग पियेंगे चाय। दोस्तों अभी 4:30 बज चुके हैं और हम लोग बद्रीनाथ से अभी भी 70 किलोमीटर पीछे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे हमें और लगेंगे। तो दोस्तों इस खूबसूरत लोकेशन में देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, और ये बाहर का व्यू आप देख रहे हैं इस रेस्टोरेंट से। सामने देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हो, और हमारे फैन भी आ चुके हैं यहाँ पे। चाय का स्वाद काफ़ी अच्छा था और 30 रुपये के प्राइस में हमें यहाँ पे मिली, तो यात्रा के सीजन के दौरान ठीक था ये प्राइस। सो गाइज, अभी एकदम से मौसम हो चुका है चेंज, बाहर धूप गायब हो चुकी है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं आने लगी है। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। जब यात्रा पीक पर रहती है, सीजन पीक पर रहता है, तो बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पे आते हैं, तो इस कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में जाम लग जाता था। हमें भी रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिला, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने पास लेके चले गए, घर से जल्दी निकले गए। दोस्तों अभी हम लोग 45 किलोमीटर पीछे है, और ये वादी देखिए आप कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, तो ये देखिए पीछे हमारे स्कॉर्पियो, तो मैं सोचा उतर के आपको बाहर का व्यू दिखाऊं। ये देखिए बाइक ओवरटेक कर रहा था और इसे वापस जाना पड़ रहा है। आप लोग ऐसे गलती ना करें दोस्तों, एक लाइन पे बने रहिए, इससे आप खुद तो परेशान होते हैं, शायद लोग भी परेशान होंगे। देखिए ओवरटेक करके आगे गया, फिर इसे वापस आना पड़ा। अभी हम लोग जोशीमठ से लगभग लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे होंगे, और केदारनाथ से बद्रीनाथ से हम लोग अराउंड 20 किलोमीटर 30 के आसपास अभी हम पीछे होंगे, और अभी बहुत ही लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, आराम से जाम लगने का कारण यह है कि बहुत छोटी रोड है, रुकना पड़ रहा है यहाँ पर। लगभग 7:30 बजे शाम को हम लोग बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पीछे गोविंद घाट पहुँच चुके थे। यहाँ का बैठक गोविंद घाट नाम, गोविंद घाट में भी हम लोग रुके हैं, और गोविंद घाट वह जगह थी जहाँ से कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा अलग अलग होती है। अगर आप बद्रीनाथ या हेमकुंड आ रहे हैं तो आपको गोविंद घाट तक आना पड़ेगा। यहाँ से बद्रीनाथ ठीक 22 किलोमीटर दूर है, और ये छोटा सा यहाँ पे कोई मार्केट है 22 किलोमीटर पहले, यहाँ से हेमकुंड साहिब 18 किलोमीटर है, और एक फूलों की घाटी वो 12 किलोमीटर है। अभी मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग दर्शन कर पाएंगे, लगभग 7:26 हो चुके हैं। दोस्तों -1 के टेम्परेचर, बहुत ठंडा है, अभी तो काफी लेट हो चुकी है। मैंने आंटी जी से पूछा तो 10-12 बजे तक गेट खुला रहता है मंदिर का, हो सकता है हम लोग आज दर्शन करें। अगर आज हम लोग लेट होते हैं फिर हम कल सुबह करेंगे, और अभी जो है ना ठंड होनी शुरू हो चुकी है, तो हम लोग पकौड़े खा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये वही जगह है जहाँ पे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो आपसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपके पास प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, उन्हें दिखाइएगा और फिर आपको वो आगे एंट्री दे देंगे। देखिए ठीक 22 किलोमीटर पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है, अगर आपका पास बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिर्फ चेक और वेरीफाई करा सकते हैं, अगर नहीं बना है तो आपका यहाँ पे टाइम लगने वाला है, यहाँ पे फिर पास बनते हैं। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वो आपकी गाड़ी साइड लगवाएंगे, फिर बोलेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, और ये काफ़ी मगजमारी का काम होता है। मुझे नहीं लगता कि आप इतने लंबा ट्रैवल करोगे, आप लोग थक चुके होंगे मेंटली फिजिकली, वहाँ पर आप ये सब करना पसंद करेंगे, इसलिए दोस्तों जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, प्रिंट फॉर्म में अपने पास अपना रजिस्ट्रेशन रखिए और यहाँ पर दिखा के आप लोग एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों 9:02 हो चुके हैं और अभी तक भी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, मंदिर अभी भी 5 किलोमीटर के आसपास दूर है, और लगभग आधा घंटे से हमारा यही हाल है,
तो अब इतना तो मुझे कंफर्म है कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर पहले हमें लगभग 1.5 घंटे का जाम मिला और फाइनली जाम से निकल के रात के 10 बजे के अराउंड हम लोग पूरे 20 घंटे की यात्रा के बाद, 350 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग 10 बजे बद्रीनाथ धाम में थे। और अभी रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे, लगभग 17-18 घंटे हमें हो चुके हैं। फाइनली हम लोग बद्रीनाथ में पहुँच चुके हैं। पूरा बद्रीनाथ का मार्केट है और यहाँ पे हमें एक लॉज में एक रूम लिया है, यहाँ पे हमारी पार्किंग हो चुकी है गाड़ी। और अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, रात में घूमेंगे। हमारा प्लान था कि आज हम बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लेंगे और फिर कल हम यहाँ पे माणा वगैरह घूम लेंगे, लेकिन आज इतना लेट हो गया। पहले तो इतना दूर है, फिर बहुत ज़्यादा जाम भी मिला बीच में, तभी तो बहुत लेट हो चुका। तो अभी बाहर जाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे और फिर यहीं कहीं आसपास घूम लेंगे। और उसके बाद जो है ना, कल हम सुबह 3:30 बजे उठेंगे, दर्शन करने जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ होती है बाद में। उसके बाद हम लोग माणा जाएंगे, फिर अगर टाइम के हिसाब से फिर देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो पीछे देखिए आप कितना शानदार व्यू है बद्रीनाथ का। दोस्तों यहाँ बद्रीनाथ में ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर -1 है अभी और हम लोगों ने देखिए जैकेट पहन रखी है। इसके बाद भी हमें लग रहा है कि शायद एक जैकेट या एक जर्सी और पहनी जा सकती थी। फिर दोस्तों हमने वहाँ पे रूम देखा और हमें 8 लोगों के लिए 2500 में एक रात के लिए रूम मिला। रात के हम तो 4-5 घंटे रुके, ये काफी मुझे लगा कि ठीक ठाक प्राइस था क्योंकि हम लोग यात्रा के टाइम पे गए और 8 लोगों के लिए 2500 में हमें रूम मिला, तो मुझे तो ये अच्छा लगा प्राइस। ये देखिए बद्रीनाथ का मंदिर और कितना खूबसूरत है। अभी रात के हम लोग 11:30 बजे के आसपास आए हैं, तो यहाँ पे अभी आप लोग आराम से। अब इस ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों रात के समय बद्रीनाथ में है और जब मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, जब मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद अगर संभव हो तो आप लोग मंदिर में जाइएगा। हम लोग भी मतलब मंदिर नॉर्मली विजिट करने गए थे, तब तक गेट बंद हो चुका था और वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी क्योंकि दिन में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप स्क्रीन पर देखिए कितनी धक्का मुक्की होती है, कितनी भीड़ होती है, ठीक से आप लोग दर्शन में नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन रात के समय आप देखिए स्क्रीन पे देखिए कितनी शांति है। पूरा हमारा ग्रुप छोड़ने के बाद यहाँ पे 2-4 लोग ही और है और आप यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं, आराम से आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं। और आप जो फोटो वीडियो के शौकीन होते हैं, हालांकि धार्मिक जगहों पर आए हो, तो कोशिश करिए कि थोड़ा भगवान का नाम लेने के साथ साथ ये सब चीज़ें करें, तो आप फोटो वीडियो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। और ये मेन गेट है, अभी ये बंद है क्योंकि रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन ये सुबह खुलेगा तो हम लोग अंदर जाएंगे। ये देखिए आप मंदिर का बाहर से ये व्यू है और ये पूरा हमारा बद्रीनाथ धाम। तो दोस्तों फाइनली लगभग 18 घंटे के सफर के बाद और लगभग 350 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर में 11 बजे के आसपास पहुँचे हैं। और इस टाइम पे जो है मंदिर जो है बंद हो चुका था, तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे। कल सुबह 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे घूमेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम लोग ओली और माणा गांव घूमेंगे, फिर वापस से हम लोग हरदा के निकलेंगे। फिलहाल आप ये देखिए मंदिर अभी 11 बजे, आप लोग यहाँ पे फोटोशूट करने आ सकते हैं, बेहतरीन शांति मिलेगी और भीड़ कम मिलेगी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम केशपाल है। मंदिर में क्या सेवा देते हैं? मैं ये सफाई का पूरा अंदर पूरा सफाई का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला यहाँ झाड़ू उठा देते क्या कर। बताओ दोस्तों ये बद्रीनाथ है, ये उत्तराखंड के नहीं देश के 4 धाम में से एक धाम है, इतने पवित्र स्थल से लोग चोरी करते हैं। मंदिर में हमें एक अंकल मिले जो कि यहाँ पे सफाई का काम देखते थे और इनके साथ हाथ बढ़ाते हुए जो हम सभी लोग थे, हमारी पूरी टीम थी, हम लोगों ने इनके साथ यहाँ पे सफाई का काम किया। हमारे साथ अंकित भैया भी अब अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं सफाई में। फाइनली टाइम टू से गुड बाय दिस ब्यूटीफुल प्लेस, दिस स्पिरिचुअल प्लेस। और मैं सच कहूँ ना, मैं तो धन्य हो गया प्रभु आज। पीछे मंदिर है और अब हम लोग जा रहे हैं रूम को। तो इस ब्लॉग को मैं, हाँ दोस्तों ये यहाँ पे एक कुंड है, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा खासियत विशेषता है। और आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता है, तो कल हम आपको ये दिखाएंगे तो आपको बिलीव होने लगेगा शायद। तो अब चलते हैं रूम और अब हम सीधे कल मिलेंगे सुबह। अब कल क्या है, 2:12 बज गए हैं, 3:30 बजे तक हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद हम कल मंदिर के दर्शन करेंगे।
फिर यहाँ पे घूमेंगे। तो तब तक आप ब्लॉग बने रहिए दोस्तों। ये थी हमारी आज की जर्नी जो कि हम लोगों ने सुबह 5 बजे शुरू की थी, अभी रात की 1-2 बजे हमारी खत्म हुई है। और अब मंदिर के दर्शन दोस्तों हम कल करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग हो चुका है बहुत लंबा। तो जो पार्ट 2 आएगा, जो आगे का ब्लॉग आएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग मंदिर के लिए लगभग 5 से 6 घंटे खड़े रहे लाइन पे। आप लोगों को ना रहना पड़े वो मैं अगले ब्लॉग स्टार्टिंग में बता दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मंदिर है, देखो ये फिंगर टीसा में मंदिर है। और जो भक्त है जिनकी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए, ये यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू हो रखी है। ये देखिए यहाँ तक ही लाइन। अगले ब्लॉग में दोस्तों हम लोग मंदिर दर्शन के बाद हम लोग माणा भी गए, और माणा में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया। बेस्ट जगह वहाँ पे कौन सी, आखिरी चाय की दुकान, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो वो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों हमारे साथ। और साथ ही साथ हम लोग तो 5-6 घंटे लाइन में रहे, बाकी जब हम लोग निकले तो हमने लाइन देखी लगभग 8-9-10 घंटे तक लोग लाइन में रहे। तो आप लोग वो ब्लॉग जरूर देखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट में जयपति भी साथ जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।